नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा के नतीजे आए सामने, बीजेपी ने जीती 240 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई 99 सीट। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर, बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी एनडीए को 291 सीटें मिली, वहीं इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर किया कब्जा। पिछले चुनाव 2019 के मुताबिक इस बार बीजेपी की घटी 20% सीट, कांग्रेस की 90% बढ़त। ओडिशा में 24 साल का पटनायक का राज खत्म, बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को मिली 51 सीटें, पहली बार राज्य में बीजेपी बनाएगी अकेली सरकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से मिलकर दिया इस्तीफा, ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म, बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सत्ता में वापसी, टीडीपी ने 175 में से 135 सीटें जीती, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर सिमट गई। पिछले चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत की थी दर्ज। पांच राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप, एमपी, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल में सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई। नतीजों के बाद सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा की जीत, पिछले चुनाव में सपा को मिली थी 5 सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी टूटने से कांग्रेस को मिला फायदा, 48 सीटों में बीजेपी के नाम हुई 10 सीट, कांग्रेस को 13, उद्धव गुट की शिवसेना को 9 और शिंदे गुट ने 7 सीटों पर किया कब्जा, और एनसीपी शरद को 7 और एनसीपी अजित को मिली 1 सीट। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का दबदबा, पश्चिम बंगाल की 29 सीटों पर टीएमसी का कब्जा, बीजेपी के खाते में आई 11 सीटें। तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में नहीं आई कोई भी सीट, कर्नाटक में 28 में से 17 सीट बीजेपी के नाम दर्ज, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटें मिली। केरल में कांग्रेस को 14 तो बीजेपी को मिली 1 सीट, तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस ने जीती 8-8 सीटें, आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन कर बीजेपी को मिला फायदा। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग, पीएम मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता, 8 जून को नरेंद्र मोदी ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा अपना इस्तीफा, राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव में मोदी कैबिनेट के 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हारे, स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, मेनका गांधी समेत कई मंत्रियों को चुनाव में हार का करना पड़ा सामना। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज, सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर होगा फैसला, टीडीपी जेडीयू के समर्थन लेने पर भी होगी चर्चा। इंदौर से देश की सबसे बड़ी जीत, एमपी में बीजेपी पहली बार जीती सभी 29 सीटें, 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती, रायपुर से बृजमोहन की प्रचंड जीत, भूपेश राजनांदगांव से हारे, कोरबा में कांग्रेस जीती। यूपी के वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत की दर्ज, नरेंद्र मोदी ने गरीब कांग्रेस प्रत्याशी को 1.5 लाख वोटों से हराया। पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का बनेगा गवाह, ये मोदी की गारंटी है, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हर वर्ग का विकास कर रही है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा ना बन जाए। पीएम बोले हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा आपकी मेहनत, आपका पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है, हम मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जीत के बाद पीएम बोले हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था, इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी।
हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, मुफ्त राशन से लेकर हर घर में पानी पहुंचाने का किया काम। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां को किया याद, बोले मेरी मां के जाने के बाद मेरा ये पहला चुनाव, लेकिन देश की मां बहनों ने मुझे मेरी मां की कमी खलने नहीं दी। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई, पीएम मोदी ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता का फ्रंट से नेतृत्व किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री से पहले नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने एनडीए और पार्टी कार्यकर्ताओं को तीसरी बार सरकार बनाने की दी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोई भी गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। आज ओडिशा में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि देश किस तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर कहा, मैं बहुत खुश हूं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने उत्तर प्रदेश पर है। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी की बंपर जीत, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से करीब 3 लाख मतों से जीत की दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं दोनों सीटों पर जीता हूं, वायनाड और रायबरेली के मतदाताओं का दिल से आभार, थोड़ा समय लूंगा और तय करूंगा कि कौन सी सीट पर रहूंगा, अभी निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, संविधान बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस संविधान को बचाने का किया है काम। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, जैसा हमने पहले कहा, हम इंडिया गठबंधन के हमारे सभी साथियों के साथ करेंगे बैठक, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जाएगा, हम अपने गठबंधन के दलों से बात किए बिना इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं मतदाताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जल कल्याणकारी नीतियों को जाता है, मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आश्वस्त करती हूँ कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए काम करूंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल्ली ने हमें सभी 7 सीटें दी, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे, ये मतदाताओं की जीत है, कांग्रेस और आपने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और उनका विश्वास खो दिया, 3 साल के अंदर हम दिल्ली की हर समस्या का करेंगे समाधान। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, हमारे लिए तीसरी बार सरकार में आना बड़ी बात, आज हमें 240 सीटें मिली और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को सिर्फ 98 सीटें मिली, कांग्रेस और बीजेपी के बीच 142 सीटों का अंतर, ये बहुत बड़ी जीत है जिसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की है, इसलिए हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। चुनावी नतीजे आने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव के बाद निर्णय ये निकला कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, तीसरी बार लगातार बनेगी सरकार। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत की हासिल, कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव को 5,40,929 वोट से दी मात, समर्थकों में जश्न का माहौल। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मेरे सभी सेनापति गण, इस युद्ध में जो आपने और मैंने मिलकर बीजेपी का परचम लहराया, मैं हृदय से सभी को धन्यवाद कहता हूं, हमने साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंतिम क्षण तक आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी का धन्यवाद। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई मुलाकात, मुलाकात में दोनों ही दिग्गजों ने एक दूसरे को दी जीत की बधाई। महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना उसी दिन हमने तय किया था कि हम देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं। हम कल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। सारे देशभक्त और वे सभी लोग जो उनसे परेशान हैं हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू को भी बीजेपी सरकार ने परेशान किया है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपनी जीत पर कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और मुझे पटना साहिब के लोगों ने बहुमत का आंकड़ा दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और तरक्की करेगा और चमकेगा। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तीसरी बार मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद करती हूं, जो भी कार्य अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूं। टेलीविजन के राम अरुण गोविल 10,000 वोटों से जीते, अपनी जीत के रिएक्शन पर बोले, जनता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं उतनी तो पूरे कुंबे को नहीं मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बीजेपी की भारी जीत है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार और देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बिहार के लोगों ने तो विशेष प्रेम दिखाया है, इसके लिए भी धन्यवाद। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, मिसा दीदी की जीत तय थी, ये पाटलिपुत्र की जनता की जीत है। बीजेपी ने हर जगह 400 पार का नारा दिया लेकिन वे 260 भी नहीं पहुंच पाए। बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी की हार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, क्योंकि अहंकार कभी कभी स्वीकार्य नहीं होता। वे कांग्रेसी नहीं बल्कि वे बीजेपी वाले हैं और जनता ने बीजेपी को परास्त किया है और मैं यूसुफ पठान को धन्यवाद करती हूँ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफे का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे का किया ऐलान। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। सभी लोग इस सरकार से त्रस्त थे लेकिन मौजूदा सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि जनता परेशान है। ये लोगों की जीत है। दुर्ग लोकसभा सीट पर विजय बघेल जीते। कांग्रेस के राजेंद्र साहू को 4,38,226 वोटों से हराया। कुल 9,56,497 वोट मिले। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे 5 बार लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं यहां से जीता हूं। इस बार लोगों ने सोचा कि हारने की जरूरत है इसलिए उन्होंने हरा दिया। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, यूसुफ पठान मुझे हराकर यहां से जीते हैं। मैं आगे के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, यह पाटलिपुत्र की जनता, महिलाओं, युवाओं की जीत है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो काम किया उस पर लोगों ने विश्वास दिखाया। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हमने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए उन्हें हम पूरा करेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? सवाल के जवाब में मीसा भारती बोली, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। वे नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, हम क्यों नहीं उनका स्वागत करेंगे। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, टीएमसी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मैं आसनसोल की जनता को धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के कहने और करने में बहुत अंतर है। 14 में से 3 सेलिब्रिटी को चुनाव में मिली हार। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत मंडी सीट से जीती। चुनाव जीतने के बाद बोली, ये सनातन की जीत है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी को करना पड़ा हार का सामना। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर इस बार कांग्रेस ने जीत की दर्ज। कांग्रेस के केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को दी मात। विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,408 वोट से जीत की हासिल। कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा को हराया। समर्थकों में खुशी की लहर। इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी ने एक तरफा जीत की हासिल। 11,75,092 वोट से जीत की दर्ज। देश में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड भी किया हासिल।
छिंदवाड़ा में विवेक भंटी साहू ने ढाया कमलनाथ का अभेद्य किला। नकुलनाथ को 1,13,618 वोटों से दी मात। 26 साल बाद छिंदवाड़ा हारी कांग्रेस। राजगढ़ से बीजेपी के रोडमल नागर ने 1,46,079 वोटों से जीत की दर्ज। राजगढ़ में नहीं चला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का जादू। रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने जीत की दर्ज। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 1,93,000 वोटों से हराया। पार्टी ने तीसरी बार जनार्दन मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद पहुंचे पन्ना। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धर्मपत्नी डॉक्टर स्तुति शर्मा ने तिलक और आरती कर शुभकामनाएं दी। ढोल की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते आए नजर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी जीत पर कहा, विकास करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता। जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को दिया अपनी जीत का श्रेय। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन से की मुलाकात। सीएम निवास में हुई दोनों की मुलाकात। बिलासपुर लोकसभा सीट पर जीते तोखन साहू। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 1,64,558 मतों से हराया। कहा, जनता के लिए करूंगा काम। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू। रूप कुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोट से हराया। कहा, सामने बड़े लीडर थे लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर। बस्तर लोकसभा से जीते बीजेपी के महेश कश्यप। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 55,245 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जांजगीर चांपा से हारे शिव कुमार डहरिया। बीजेपी की कमलेश जांगड़े 60,000 वोट से जीती। लोकसभा की 8 विधानसभा में कांग्रेस के हैं विधायक। रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी 2,00,000 वोटों से जीते। राधेश्याम राठिया को मिले 8,08,275 वोट। निकला विजय जुलूस। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग 1,884 वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को मिले 5,95,740 वोट। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत की दर्ज। उन्होंने कांग्रेस को करीब 5,75,285 वोटों से दी शिकस्त। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव राजनांदगांव में रहा बड़ा रोचक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने दी शिकस्त। छत्तीसगढ़ में मिली जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जनता का जताया आभार। सीएम ने पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ ने इस बार फिर इतिहास रचा। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए फिर से विजय दिलाई है। आज से शुरू हुई नमामि गंगे अभियान। रायसेन के झीरी बहेड़ा पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झीरी बहेड़ा। प्रदेश भर में चलेगा अभियान। मंडला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम को 1,03,846 मतों से हराया। फग्गन सिंह कुलस्ते को निर्वाचन आयोग से मिला प्रमाण पत्र। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके भी उनके साथ रही मौजूद। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने 43,283 वोटों से जीत की दर्ज। कोरबा में ज्योत्सना महंत लगातार दूसरी बार बनी सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कमलनाथ ने कहा, 44 सालों से जो भूमिका थी वो हमेशा रहेगी। साथ ही उन्होंने जनता के फैसले को भी स्वीकार किया। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल की जीत के बाद बदले समीकरण। विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल से 2 पद होंगे खाली। स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा संसदीय कार्य संस्कृति विभाग संभाल रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। खाली पदों को भरने के लिए अनुभवी नेता की तलाश जारी। लक्ष्मण सिंह ने फिर उठाए प्रदेश संगठन पर सवाल। सभी 29 सीटें हारने पर लक्ष्मण सिंह का ट्वीट कर लिखा, मोदी जी की योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा उन्होंने भोगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क ख ग घ से शुरू करनी पड़ेगी।
बिलासपुर में ट्रेन की चपेट में आई युवती। हादसे में युवती का बायां पैर कटा, सिर पर आई गंभीर चोट। युवती ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। युवती के घर में दुख का माहौल। उज्जैन में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पत्रकार का चोला पहनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। शहर में निकाला आरोपी का जुलूस। महिला के साथ 10-12 लोगों के घर में घुसकर की थी मारपीट। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर पड़े नरम। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में हुई बारिश। तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। रीवा के सोना पुखारी गांव में दो गुटों के बीच विवाद। विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आरोपी मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों में आक्रोश। जबलपुर के शहपुरा के ग्राम उमरिया में हुई हत्या की वारदात। चाचा ने अपने ही भतीजे के धारदार हथियारों से की हत्या। आरोपी मौके से फरार। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। रायपुर में निर्देश के बाद भी यातायात कर्मचारियों की लापरवाही। दो कर्मचारियों के काटे गए चालान। बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर कटा चालान। जंगल में लड़ाई के दौरान हाथियों ने बिजली पोल को मारा टक्कर। तरंगित तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। वन विभाग ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजगढ़ में बड़े पुल पर पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में एक की मौत, 10 लोग घायल। भोपाल से जयपुर जा रही थी बस। सूरजपुर में करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत। दो हाथियों की लड़ाई में पोल से टकराने से बिजली का टूटा तार। सूचना मिलते ही वन अमले की टीम मौके पर पहुंची। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 8 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिजली के साथ बारिश का अनुमान। बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कबीरधाम को लेकर अलर्ट जारी। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली को लेकर भी अलर्ट। भोपाल में दिन में गर्मी, शाम को बारिश का अलर्ट। नौतपा खत्म होते ही 2 दिन से भीग रहा शहर। टेम्परेचर भी लुढ़का। आने वाले दिनों में भी हो सकती है बारिश। बलौदा बाजार के ग्राम चंदेरी में हत्या करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी का प्रेमी संग रहने से नाराज था पति। दोस्तों के साथ मिलकर पति ने घटना को दिया अंजाम। कांकेर में विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के लोगों ने निकाली जागरूकता रैली। रैली में बच्चे जंगली जानवर की वेशभूषा में आए नजर। पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर में हुई सुरक्षा व्यवस्था में चूक। जल्दी दर्शन के लालच में वेंटिलेशन से श्रद्धालु कूदते आए नजर। सुरक्षाकर्मी बने रहे मूक दर्शक। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।